अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1/2 कप ऑयल, 3 अंडे, 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैंने लिए मलाई जो घर की क्रीम होती है फ्रेश वो, और 1 चाय के चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो शुरू करते हैं। केक जो है वो हम पतीले में बनाएंगे। तो सबसे पहले पतीला जो है उसको मैंने उसके नीचे नमक ऐड किया है, उसके ऊपर हम रखेंगे जाली वाला स्टैंड। अगर आपके पास जाली वाला स्टैंड नहीं तो कोई भी आप स्टील का बर्तन जो है बॉल उसको उल्टा करके रख दें, या कोई प्लेट है तो उसको उल्टा करके रख दें, और इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे जो है 5 से 6 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे सबसे पहले जिस बॉल में जो है आपने केक को बेक करना है उसमें सबसे पहले मैंने ऑयल लगाया, उसके अंदर बेकिंग पेपर लगा लिया मैंने, और उसके ऊपर ऑयल लगा के इसको रख लेंगे साइड से। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अंडे, इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे चीनी, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे ऑयल और मिक्स करेंगे। और इसमें मलाई ऐड करेंगे। मलाई को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैदा ऐड करेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और मिक्स करेंगे। अब जो हाफ मिक्सचर है मैं इसमें ऐड कर दूंगी, दोनों को हाफ हाफ कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को बॉल में निकाल लेंगे। 1 चम्मच जो है वो इसका सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे। अब 1 चम्मच इसका ऐड करेंगे। यहाँ पे सारा मिक्सचर जो हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा टैप करेंगे जो एयर बबल में निकल जाए। और अब किसी भी स्टिक से या टूथपिक से जो है हम इसको ऊपर से थोड़ा सा घुमा देंगे ऐसे, ताकि थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो बन जाए ऊपर। यहाँ पे पतीला जो है प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें रख देंगे केक के मिक्सचर को और ऊपर से कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि जो केक है वो कितना बेक हो चुका है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। यहाँ पे अब 40 मिनट्स के बाद हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे।
यहाँ पे जब केक ठंडा हो जाएगा तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, उतनी देर जब जितनी देर ठंडा हो रहा है हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे केक जो है वो ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे केक जो है वो बिल्कुल रेडी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा केक जो है बहुत सॉफ्ट बना है और अंदर से इस तरह से बना है। केक जो है आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ये देखें केक जो है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा बना है। ये देखें, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।